बफर जोन और कोर जोन। तो अगर बफर जोन जहाँ पे गांव के लोग रहते हैं, खेती होती है, होटल जो बने हुए हैं वो बफर जोन के अंतर्गत आते हैं। बफर जोन मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसे लोग जा सकते हैं, लेकिन कोर जोन जहाँ पे टूरिस्ट और फॉरेस्ट अधिकारी या कर्मचारी लोग रहते हैं, इसके अलावा कोई भी विदाउट पर्सन को अंदर आने का अलाउ नहीं करते। दूरग्राम के होने को जैसे यहाँ पर जो चिकित्सा व्यवस्था ये नहीं थी, 25 किलोमीटर दूर जाते थे हम लोग। कहाँ से पाएगी? ये डॉक्टर मिले डॉक्टर ना, हम चिमनी नहीं ना बात ही नहीं, क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है उनको। एक्सिस बैंक फाउंडेशन, एक्सिस बैंक का CSR विंग है, जिसमें एक्सिस बैंक फाउंडेशन अनेक प्रकार का प्रोग्राम्स को ऑल ओवर इंडिया में सपोर्ट करता है। जुलाई 2012 में हमारा जो प्रोजेक्ट है पुकार, वो स्टार्ट हुआ। उसका होल पर्पज़ यही था कि फॉरेस्ट एरियाज, टाइगर रिजर्व्स के आसपास जो गांव है, उनमें जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो महिलाएं हैं, उनको कोई ऑल्टरनेट लाइवलीहुड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड दिला दी जाए, ताकि उनकी जो डिपेंडेंसी है फॉरेस्ट पे वो कम हो जाए। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में जो भी ट्रेड्स हैं ये हमने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं। यहाँ पर लोगों की क्षमता, कैपेबिलिटी और लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। इसमें क्या होता है, थ्योरी पार्ट कम होता है और प्रैक्टिकल पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि जो स्किल्ड डिमांड है, मार्केट की जो डिमांड है, वो उसको पूरी कर सके। यहाँ पे जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो मोस्टली हेल्थ रिलेटेड है। कान्हा टाइगर रिजर्व के जो गांव है वो काफ़ी मतलब जंगल के ऊपर निर्भरित है। यहाँ पे कुकिंग और बॉइलिंग ऑफ वाटर फॉर यू नो जनरल पर्पजेस मोस्टली फायर फ्यूल वुड से होता है, तो जंगल से काफ़ी सारी लकड़ी कटी जाती है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते, जो गिरी हुई सूखी लकड़ी है वही सिर्फ एक्चुअली वो कलेक्ट कर सकते हैं, बट रूल्स काफ़ी सारे तोड़े जाते हैं यहाँ पे, तो लकड़ी की कटाई ज़्यादा होती है। जो ट्रेडिशनल चूल्हा है उससे काफ़ी धुआं होता है, और इनके घरों में, किचन में कोई वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं होता, तो सारा धुआं जो है अंदर ही रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो धुआं आता है उससे जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो किचन में ज़्यादातर समय बिताती है और काम करती है, वो जो भी धुआं वो सीधा इनहेल करती है, ठीक है, तो उनके चेस्ट का इशू है, लंग इन्फेक्शन का इशू है, आँखों में जलन होती है, ये मोतियाबिंदु का एक कारण है। कॉर्बेट फाउंडेशन ने जो पिछले 5 सालों में यहाँ रूरल मेडिकल आउटरीच प्रोग्राम किया है, तो उसमें जो फीडबैक गांव का है, तो उस पर ये देखने में आया कि कुछ कुछ गांव में मलेरिया का इंसिडेंस बहुत हाई रहा है, जो और इंसिडेंस वहाँ पर ज़्यादा रहा है जहाँ पर जो फॉरेस्ट के बिल्कुल कोर एरिया से लगे हुए गाँव हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट एक रेड जोन में आता है मलेरिया के लिए, विच इज़ बी आइडेंटिफाइड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे शुरू करने की सोची। हम लोग ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था समृद्धि, अ स्टेप टुवर्ड्स बेटर हेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन के पहले हम लोग ने गांव का सिलेक्शन किया था कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर में, और मैं सर लोग ने एडवर्टाइजमेंट किया था कि जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आके मच्छरदानी और स्मार्ट सो लेके जा सकता है। फिर जितने भी हम लोग को आए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हम लोग ने रजिस्ट्रेशन किया। प्रोग्राम में काफ़ी सारे चीफ गेस्ट भी थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एंड लोकल पॉलिटिशियंस, तो उनके हाथ से हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन किया। और उसके अलावा हम लोग ने घर घर जाके लगभग 300 इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को डोनेट किया। बिकॉज ऑफ ये स्मार्ट स्टोव की वजह से क्या होगा,
वो फ्यूल उड का जो डिपेंडेंसी उस स्टेट अवे 50% कम आ गया है। उसके अलावा उसमें बड़ी लकड़ी हम लोग डाल नहीं सकते, जिसकी ट्रेडिशनल स्टोर उसमें काफ़ी बड़ी लकड़ी लगाते हैं, जिसके लिए बड़ी लकड़ी काटी जाती है, तो कटाई का जो ऑकरेंस है वो कम हो जाता है। स्मार्ट स्टॉप दिया, उससे धुआं नहीं होगा तो उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होगा और जो उसके लंग्स में होने वाली डिजीजेज हैं वो नहीं होगी। इसके अलावा जो हमने मॉस्किटो नेट दिया है, ये सिंपल मॉस्किटो नेट नहीं है, इट्स मेडिकेटेड मॉस्किटो नेट। इसमें कुछ मेडिसिन लगी होती हैं जो कि लगभग 20 से 40 बार तक धोने से वो हटती नहीं है, वो दवाइयों का असर रहता है। WHO ने भी काफ़ी सारा रिकमेंड किया है और इसे कहा भी गया है कि ऑलमोस्ट 50% मलेरिया केसेस वो मस्किटो नेट्स प्रिवेंट कर सकते हैं। आज से मच्छरदानी चालू कर वो लगाने, कल से चूल्हे में खाना बनाने चालू कर नहीं का। उसमें तो बहुत जल्द तक खाना बन जाता है सर, तो उसमें कम लकड़ी जलती है, पहले बहुत लकड़ी जलाते थे हम। चूल्हा से हमारे जो वन क्षेत्र है उसकी कटाई कम होगी, जो जंगल की लकड़ी है वो बचेगा और उससे हमारे आने वाले पीढ़ी को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इसके लिए मैं तो आपके एक्सिस बैंक फाउंडेशन को धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से स्वागत है आप लोगों का कि हम लोग गांव के लोगों को जो चीज़ उनको कभी मिलते ही नहीं, कभी सोचे ही नहीं थे, अभी तो ऐसे घर हैं कई के मतलब परिवार हैं घर हैं उनके पास तो मच्छरदानी है नहीं, पर आप लोगों ने हम लोगों को हमारे गांव को गांव के हमारे आजू बाजू के सभी गाँव के लोगों को दिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस प्रोजेक्ट से हम लोग जो गांव वालों के बीच में और वन्य प्राणियों के बीच में जो समांतर है, जो हारमोनी है, वो हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी हमेशा कि फॉरेस्ट की डिपेंडेंसी कैसे कम की जाए, और जितनी कम हो उतना ही कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, उतना ही कॉन्जर्वेशन के लिए अच्छा होगा। मुझे विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट का मॉडल देख के और भी जो संस्थाएँ हैं इसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे और हमें मदद करेंगे, हम और लोगों तक पहुँचे, तो यही एक ख्वाहिश है, एक ड्रीम है। ये मैं समझता हूँ कि हर एम्प्लॉई को इस चीज़ में एनरोल करना चाहिए, बिकॉज हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कैसे एक अलग अलग प्रोग्राम्स में जाके कैसे लाखों लोगों को बेनिफिट्स दे रहा है।